नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे एग्जामपुर के माध्यम से हमारे दिल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सभी को क्लास 11th की फिजिक्स से रूबरू कराने के लिए मैं निखिल गोयल यहां पर बना हूं। पढ़ाने से पहले सिर्फ 30 सेकंड में आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 3 सालों से करीब और करीब काफी लाख बच्चों को इस फील्ड में ट्रेन कर चुके हैं, काफी सारे एडमिशन अपने IITs नीट में दे चुके हैं फिजिक्स पढ़ाकर। अपने बारे में मैं बताऊं तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, IIT दिल्ली M.Tech एग्जाम का क्वालिफाई कर रखा है मैंने एग्जाम, और IES के बारे में आपने सुना होगा, 2 बारी मैंने उसका मेंस क्वालिफाई किया है। गवर्नमेंट जॉब थी लेकिन हमने ऑप्ट नहीं करी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी इसी एनर्जी के साथ आप लोगों के समक्ष मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 फॉर द क्लास 11th फिजिक्स। तो भाई लेक्चर नंबर 1 है तो हम आप लोगों को आज के दिन ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स एंड अकॉर्डिंग टू द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सब्जेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। बट सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को किस रास्ते पर चलना है ताकि हमारी मंजिल जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में शुरू करूंगा एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, और उसके बाद अगर समय बचा, रिस्पॉन्स अच्छा है, आप लोगों को जानने की इच्छा है, तो उसके मुताबिक आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा। सो सबसे पहले मुझे आप लोगों से सिर्फ यही पूछना है, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे प्यारे बच्चे, आवाज आ रही है ना, एनर्जी लग रही है ना, कुछ अच्छा फील हो रहा है ना, क्योंकि फ्री में आप लोगों को जो आपको काफी जगह नहीं मिल पाता वो यहां पर मैं देने के लिए आया हूं। खुद IITs की कोचिंग में पढ़ाते हैं तो काफी कुछ जानते हैं कि वो क्या फॉलो करते हैं। वहां बच्चों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, स्कूल एग्जाम से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों तक मैं लेकर आया हूं। तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो कि हाँ मजा आ रहा है, कुछ जानने का मन कर रहा है, और अच्छा भी लग रहा है कि आज कोई तो है जो हमारे लिए भी कुछ कर रहा है। सो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अभी बात आती है मेरी यहां से कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि भाई जो भी आप लोगों का कोर्स होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा और हिंदी लैंग्वेज में भी होगा। यानी किसी को किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी भाषा में होगा या नहीं होगा। भाई वी विल कवर ऑल द लैंग्वेजेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबॉडी, गॉट इट ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला मेरे पास मुद्दा आता है कि एक 11th क्लास की फिजिक्स में अगर मुझे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मास्टर बनना है, तो भैया क्या क्या चीजें मुझे फॉलो करनी है। सबसे पहले मेरे पास बात आती है सिलेबस कवरेज की। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस रहेगा, हम लोगों का जो टारगेट है वो रहेगा ऑल इंडिया जेई। हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑल इंडिया बोर्ड्स, ऑल इंडिया एकेडमिक सिलेबस को कवर अप करना। तो हम बेसिक किताब जो होती है जिसमें सारे टॉपिक होते हैं और जो सभी बोर्ड उस पर्टिकुलर किताब को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द NCERT। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि पिक्चर भी दिख रहे हैं, हम लोग NCERT को फॉलो करने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं जो NCERT से हटके हम लोगों को डीप मैनर में जानने होते हैं। तो भैया घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना। तो एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वी विल बी गोइंग टू कवर दैट टॉपिक, गॉट इट। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों मजा में निकाल देंगे। उसके बाद मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों का यह तो समझ आ गया कि सर सिलेबस कवरेज NCERT के अकॉर्डिंग चलेगा। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चे होते हैं जो JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो टीचर ट्रेनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके एग्जाम के अंदर आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल इन द सेंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के एग्जाम में भी आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आते हैं, तो वो मैं आप लोगों को लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, लास्ट में कुछ वीडियोस की मदद से एक्सपेरिमेंट समझा दूंगा और उसके बाद सब समझ आ जाएगा, टेंशन ना को लेना, ठीक ना, ओके। इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट आता है मेरे प्यारे बच्चे कि सर चलो ये तो ठीक है, अब मुझे क्या फॉलो करना है। सर मेरा सेकंड पॉइंट होता है कि आप लोगों को जो अगला स्टेप लेकर चलना है, दैट इज नोन टू बी एज द डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, भाई मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपनी टीचिंग करियर जब से शुरू करा है और काफी बच्चों को रूबरू करता हुआ आया हूं,
तो जो मुझे एक जाहिर तौर पर बच्चों की प्रॉब्लम लगती है वो क्या लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अक्सर ये पूछा करते हैं, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वो कैसे करें। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों की होती है, सर पढ़े कहां से वो नहीं पता, वो भी बता दो। तीसरी प्रॉब्लम होती है, सर पढ़ते तो बहुत है याद नहीं होता, वो भी बता दो। ये तीन क्वेश्चन जनरली बच्चों के दिमाग में हमेशा आते हैं और वो तीनों का सॉल्यूशन सिर्फ इसमें छुपा हुआ है। कैसे, देखते हैं। सर सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो पहले ही जो मेरे द्वारा की गई और आपको बताऊंगा, आप लोग कोई बड़ा बिजनेस तो नहीं चला रहे, ऑब्वियसली नहीं चला रहे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक काम करने में 24 घंटे आप लोगों को कम पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का खेल है ना, ये आपको बिना बताए अपने आप समझ में आने लग जाएगा जब आप लेक्चर अटेंड करोगे कि मैं जो जो नोट्स, जो जो क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, पढ़ाई करवा रहा हूं, वो आप लोगों को अपने आप टाइम मैनेज करना सिखा देगा। थोड़े दिन में आप ये बात कहोगे, सर टाइम फालतू पड़ रहा है, थोड़ा और मटेरियल दे दो। सही बोल रहा हूं मैं, ये होगा आप लोगों के साथ। दूसरी बात मेरी आती है, सर हमें ये नहीं पता होता हम पढ़े क्या। सिंपल सी बात है, तो भाई डिपेंड करता है कि आप लोगों का एम क्या है। ऑब्वियसली बोर्ड तक तो नहीं रहना, उसके आगे भी जाना है, तो ये क्लास तो डेडिकेट हो रही है तुम्हारे स्कूल को, यानी तुम्हारे 11th क्लास को। तो 11th क्लास के लिए तो मैं तुमको बताना ही चाहता हूं, हम लोग एक तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और कुछ 11th क्लास के अंदर 1 मार्क और 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। आपकी 11वीं क्लास के अंदर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरे पूरे कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल इन द सेंस, जो तुम पढ़ते हो उसी के बेसिस पर आप लोगों को यह चीज बताई जाती है, पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों क्वेश्चन साथ के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। कैसे लेकर चलेंगे, सर पढ़ना कहां से है, क्लास के लिए, अपने स्कूल के एग्जाम के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है। एक तो आप फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, प्लस दूसरी चीज आप फॉलो करेंगे मेरे नोट्स। खुश हो जाओ, अब तो नाम आ गया नोट्स का। जी मेरे द्वारा आप लोगों को हर लेक्चर के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, आप डेली उन नोट्स को पढ़ना। आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ना चाहो तो पढ़ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ की साथ जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ, ये होमवर्क, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को जाहिर तौर पर डेली बेसिस पर करने ही करने हैं। अगर ये नहीं करोगे तो वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन था ना, वो जिंदगी भर आपका बना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, सर पढ़ते तो बहुत है याद नहीं होता, सर एक ही बात आती है, इसके लिए एक ही कोड सूट करता है मुझे, प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली लेडीज एंड जेंटलमैन, सर आपका एयरफोर्स का है रितिका कुमारी, डोंट वरी, आप एयरफोर्स में फिजिक्स अच्छे से कर जाओगे, मेरी गारंटी है। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा पढ़ाई के साथ साथ। बात आती है प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा आप पढ़ते हो, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, थ्योरी याद हो जाती है, लेकिन फिजिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द थ्योरी। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, फिजिक्स के कंसेप्ट उतने ज्यादा आप लोगों को फेमिलियर होते रहेंगे, उतने ज्यादा फिजिक्स आपको समझ में आती रहेगी। सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी लेकर चलनी है, भाई फर्स्ट प्रेफरेंस, समझना मेरी बात को। आप लोगों को जाहिर तौर पर पढ़ाई जाती है थ्योरी और उसके बाद कराई जाती है प्रैक्टिस, लेकिन मेरी बात को अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं थ्योरी और दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, लेकिन तुम अपने दिमाग में क्या सोचकर चलना, सर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी नहीं है। आपको थ्योरी पढ़नी ही नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा ना, तुम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना, मेरी बात को मानकर देखो, रोजाना 1 घंटा पढ़ोगे ना, 90 अबव नंबर कहीं नहीं जा रहे, लिख के ले लो ये बात, तुम, मैं फैक्ट बता रहा हूं, और ये मैंने कई हजारों बच्चों के साथ अप्लाई किया है तो जाके मुझे रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग प्रैक्टिस करना, थ्योरी मत पढ़ना, थ्योरी तुम्हें अपने आप पढ़ाई में आ जाएगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। तो दूसरा स्टेप क्यों, पहला स्टेप खत्म करो ना, एक ही स्टेप में आराम की जिंदगी फरमाओ, काम हो जाएगा। दूसरी चीज आती है इसके बाद, सर ये क्लास जेई मेन के लिए है। जी जेई मेन और नीट वालों को मैं बताना चाहता हूं, सुबह 12:30 बजे इसी चैनल पर, सुबह 12:30 बजे इसी चैनल पर मैंने एक क्लास ली थी लगभग 1.25 घंटा की। उस क्लास के अंदर मैंने IIT JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें जो जो फिजिक्स आती है सबको लेकर
फुल प्रूफ एकदम लेक्चर दिया था कि इधर से शुरू करूंगा और यहां तक कैसे पहुंचूंगा सब बता दिया था। तो मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से कि जो आईआईटी और नीट की बातें कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, मॉर्निंग सेशन में सुबह 12:30 बजे हुआ इसी चैनल पे, तो वो देख लो, तुम्हारी सारी क्वेरी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बात आती है यहां पर कि यह चीज समझ आ गई कि हम लोगों को डेली रूटीन क्या रखना है। सर कुछ नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट का कोई सीन ही नहीं बनता क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। कंसेप्ट क्लियरेशन मैं अपने आप करा दूंगा, वो मैंने सुबह 12:30 बजे क्लास लिया, उसको जरूर देखना। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, आपको एक एक चीज अपने आप समझ में आ जाएगी, जो तुम पूछ रहे हो उसमें सब बातें हैं। डेली रूटीन में क्या करना है वो चीज मैं बता चुका हूं। अब मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज नोन टू बी एज द वीकली टेस्ट। सर वीकली टेस्ट मैं नहीं लूंगा आपसे, लेडीज एंड जेंटलमैन, वीकली टेस्ट मैं नहीं लूंगा आपसे, आप लोगों को मैं वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट दूंगा, यानी प्रैक्टिस करने के लिए एक वर्कशीट मेरी तरफ से हर हफ्ते आप लोगों को मिलेगी। पूरे हफ्ते में जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जो कि तुम लोगों के लिए संडे को मिला करेगी। इन द सेंस फ्राइडे तक लेक्चर होगा तो फ्राइडे को मैं दे दूंगा, संडे को तुम लोगों को वीकली टेस्ट के साथ साथ पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है तुमने नोट्स तो तुम्हें रोज मिलेंगे। सर संडे को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तुम संडे को उसको रिवाइज करोगे ना, साइकोलॉजी क्या कहता है कि तुम किसी चीज को एक हफ्ता रिवाइज करो, उसके बाद वो चीज तुम्हें एक महीना याद रहती है, ये होता है। फिर जब तुम भूलने लगते हो एक महीने बाद उसको दोबारा से देख लो तो वो तुम्हें 6 महीने और याद रहती है। साइकोलॉजी ये कहती है, ये रियल फैक्ट है। और 6 महीने बाद जब तुम उस चीज को देखते हो तो तुम्हारा एग्जाम आ जाता है जब तक तुम्हें याद रहती है। तो सिर्फ 3 बार ही देखना है लेकिन समय से देखना है, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज अपने आप रहेगी। बार बार रट्टा फीकेंशन, बार बार हार्डवर्क, बार बार लेबोरियस वर्क ये नहीं करने, स्मार्ट वर्क करना है, स्ट्रेटेजी से चलना है और हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट लाना है, क्योंकि आप मानो ना मानो रिजल्ट की वैल्यू है। तो भैया हमारी ये तीसरी चीज रहेगी। ये 3 स्टेप अगर मैं अपने इस टेन्योर 2 महीने के अंदर, भाई फाइनल एग्जाम में 2 महीने रह गए मेरे ख्याल में, ये 3 चीज मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर मेरे रास्ते पर चलकर 2 महीने अगर आप कर रहे हैं ये 3 चीज, सर 2 महीने बाद जो आपके अंदर का सितारा है ना, वो आपके चेहरे के नूर में उर्फ कॉन्फिडेंस में दिखेगा। आपको इतना समझ आ जाएगा कि जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है, वो तुम्हें 2 महीने में सिर्फ समझ आएगा। 2 महीने मेरे कहने से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, बस गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेजर बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर कुछ वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दो, किताबें कौन कौन सी लेकर चले। सर आई वॉन्ट टू से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉर्निंग वाले सेशन में आईआईटी और नीट के लिए कौन सी किताब पढ़नी है वो बता चुका हूं। मॉर्निंग वाला 12:30 बजे वाला सेशन तो देखना ही देखना है। इस वाले सेशन में क्या होगा, आप लोगों को बुक्स के बारे में बात कहूं तो स्कूल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी बुक उठा लो जो आपको अच्छी लगती हो, जिस राइटर का नाम आपको अच्छा लगता हो उसकी किताब उठा के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक चीज मैंने लिखी हुई है, जरा उस चीज को देखना। अभी बता देता हूं मैं, मेरा टाइम भी अभी सेट नहीं हुआ टाइम टेबल को लेकर, मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने एक चीज लिखी है, फ्री टू चूज एनी रेफरेंस बुक, किसी भी किताब को उठा के पढ़ लो जो तुम्हारा मन करता हो। किसी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जो सिलेबस में उसी चीज के बारे में सब कुछ आसान भाषा में लिखा है। कोई भी किताब जो तुम्हारा मन करे उसको उठा के पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद की बात सुनना, सर अगर तुम्हें कम मेहनत करनी है ना, अगर कम मेहनत करनी है तो एक चीज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, कुछ मत पढ़ो, मन करे तो पढ़ो नहीं तो मत पढ़ो वो, लेकिन ये जरूर पढ़ लेना मेरे नोट्स। जो डेली बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगा वो तुमको पीडीएफ की फॉर्मेट में हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा, रोज की रोज लेक्चर में लिंक मिलता रहेगा, लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता रहेगा, नोट्स का डाउनलोड करना पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ये जो नोट्स है ना, बस इसको भी पढ़ लोगे ना तो मेरी एश्योरिटी है तुमसे, सर एश्योरिटी है, गारंटी है
पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस और कई बच्चों का अनुभव लेकर आए हैं, तो हमें पता है तुम्हारे 90% तो आएंगे ही आएंगे। तुम कुछ मत पढ़ो, दिन का एक घंटा लगा दो, 90 आएंगे, गारंटी आएंगे। उसके बाद अगर ज्यादा लेनी है तो मेहनत ज्यादा लगेगी, जो प्रैक्टिस शीट दूंगा वो पूरी पढ़ लेना, ठीक है। अगर प्रैक्टिस शीट सॉल्व भी नहीं करते ना, स्कूल में 90 आ जाएंगे, सिर्फ नोट्स को पढ़ लेना और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। चलो, अब ये तो हुई आज का सारा सिनेरियो कि हम लोगों को किस तरह से आगे मंजिल की तरफ चलना है। एक बारी आप लोगों से मेरे दिल के टुकड़ो, तुम ही लोगों के टुकड़े जोड़ जोड़ कर मेरा एक दिल बनता है, बढ़िया सा कुछ इस तरह की शेप का दिल है मेरा, ऐसा ऐसा ही होता है ना, ये वाला दिल है, ठीक ना। तो चलो एक बारी थम्स अप करना जरा, पसंद आई कि नहीं आई, पसंद आई कि नहीं आई थम्स अप करो। अब भाई बात आती है टाइम टेबल की, लेक्चर के स्टार्टिंग में दिखाया ही था, बाकी टाइम टेबल फिक्स जो है वो कल से बन जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये चार सब्जेक्ट आप लोगों की होगी, बाकी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बारी थम्स अप करके बताओ जल्दी से जनाब, पसंद आया कि नहीं आया, उसके बाद आगे की बात करूंगा कुछ आप लोगों के साथ। जल्दी, अरे समय नहीं है, जल्दी करा करो। हाँ भाई चलो, अभी बात आती है यहां पर कि हम लोग कौन कौन से बोर्ड को सेलेक्ट करने वाले हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्लास चलेगी सीबीएसई में, मेरी तरफ से आप लोगों की क्लास चलेगी यूपी बोर्ड में, मेरी तरफ से आप लोगों की क्लास चलेगी हरियाणा बोर्ड के लिए, मेरी तरफ से आप लोगों की क्लास चलेगी पंजाब के लिए, मेरी तरफ से आप लोगों की क्लास चलेगी साउथ में, साउथ इंडिया का कोई भी बोर्ड हो सबके लिए। अरे यार इसको यूनाइट कर लो ना, एक ही बात बोल दो ना, ऑल इंडिया के लिए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया के लिए क्लास होने वाली है। इसके बाद एक और बात सुनो, लैंग्वेज कैसी रहने वाली है सर क्लास में, हमको समझ आएगी कि नहीं आएगी। अरे फिर वही बात कर दी तुमने, मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने कहा यहां पर मैं तुम्हारे अंदर जो हीरो बैठा है ना, जो तुम्हारे अंदर सितारा बैठा है, उस सितारे को उभारने आया हूं। जब यहां पर दो सितारे लगते हैं और आर्मी में लेफ्टिनेंट बनते हैं ना, तो उस दिन ये जो 56 इंच का सीना होता है ये अलग उभरता है, वो उभारने आया हूं, ठीक है। तो भैया लैंग्वेज कैसी रहेगी, सर पहले ही बता चुके हैं हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा, तो कॉमन लैंग्वेज इसके लिए शब्द आता है हिन इंग्लिश, यानी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल ठीक है बच्चे। इसके बाद और सुनो, अभी बात आती है थोड़ा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो अभी सिलेबस तो आप लोगों को मैं सिलेबस नहीं लिखवा रहा, एक छोटा सा मेरी मदद करना, एनसीईआरटी में ना सारा सिलेबस दे रखा है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिकल वर्ड, उसके बाद है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद है हमारा काइनेटिक्स, मोशन इन 1D, फिर है मोशन इन 2D, ऐसे कर करके मेरे प्यारे बच्चे लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है। चलो अभी सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैंने तुमको पहली बात तो यही बतानी है मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारा जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं किस तरह से लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं तुमको थ्योरी जो दूंगा वो थ्योरी किस तरह से दूंगा, सर स्लाइड, द थ्योरी विच आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइड यू विद इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइड्स। हम लोग ये थ्योरी आपको स्लाइड्स की फॉर्म में देने वाले। स्लाइड का फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा आता है स्लाइड में आपको एनिमेशन मिलती है, ठीक है। दूसरा फायदा आपका आता है स्लाइड में आपको वीडियोज मिल जाती है। तीसरा फायदा आप लोगों का आता है स्लाइड में आपको कुछ पिक्चर्स मिल जाती हैं, जिन पिक्चर की मदद से आप लोगों को समझना आसान हो जाता है, ठीक ना। तो ये स्लाइड की मदद से पढ़ाएंगे, लिखने में समय भी कम होगा। और सुनो, थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और मिलेगी मेरी तरफ से, वो होता है आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी हम लोग डेली अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये हमारी एक और स्ट्रेटेजी जो कि हमारे बूस्ट अप लाएगी। तीसरी चीज आती है मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, सर डेरिवेशन भी होंगी क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है तुम लोगों के पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ो सुन लो,
आप लोगों को थ्योरी मैंने बता दी, तो वो थ्योरी का मतलब होता ही है कि आप लोगों को डेरिवेशन फुल प्रूफ तरीके से कराई जाएगी भाई। डेरिवेशन फुल प्रूफ तरीके से कराई जाएगी, और वो डेरिवेशन इस तरीके से कराऊंगा कि साथ के साथ रट भी जाएगी। इसी के साथ पिछले 20 साल के तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना, पिछले 20 साल के पेपर, वो साथ के साथ मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ताकि 2 महीने में 1 साल का कोर्स तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, विश्वास करना, ठीक है बच्चे। अब मेरी बात आती है यहां पर, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें सुबह वाले सेशन में आईआईटी और नीट के लिए बताई थी, थोड़ा और अच्छे से बताया था, ये यहां पर मैं क्लास 11th के लिए बताया। अभी मेरी बात आती है कि कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, या सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। पहली चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन टू बी एज द मोशन इन वन डायमेंशन। भाई तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों नहीं करी, वो बहुत आसान है, उसकी दिक्कत ही नहीं आने वाली तुमको, वो मैं करवा दूंगा। ये थोड़ा सा ना समझने वाला टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और यहां से कई ऐसी चीजें निकल कर आती है जो बहुत काम आती है। तो ये मैं आप लोगों का सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मोशन इन वन डी, क्योंकि इस चैप्टर की जो यूज होता है वो आने वाले कई चैप्टर्स तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हें आगे की चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है बच्चे। चलो अब मैं 2 मिनट तुम्हारे देना चाहता हूं, तुम मुझे सिर्फ ये बताते चले जाओ मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें और क्या कमी लग रही है, या तुम्हारे क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, हम आगे पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सकते, तो मुझे सिर्फ ये बताते चले जाओ। सर हिंदी में लिखे, अबे ये हिंदी में लिखूं, ठीक है कल से कोशिश करूंगा। और कुछ जल्दी से मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि ये और किस चीज की तुम्हें इसमें जरूरत है, वो चीज जाननी बहुत जरूरी है, जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। और एक छोटी सी चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक करते हुए ना शेयर जरूर करना, और बच्चों तक भी पहुंचाना, ताकि हमारी जो एनर्जी है ये हर किसी तक पहुंचती रहे, किसी तरह की कोई दुविधा ना हो। जितना शेयर होगा उतनी तरफ से हमारी तरफ से कंटेंट अच्छा होता चले जाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। जल्दी मुझे ये बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए इसमें। जवानो सर न्यूमेरिकल करवाइएगा, बिल्कुल कराऊंगा। मोशन इन वन डी एनसीईआरटी इसका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चलो सर वेक्टर और प्रोजेक्टाइल, अनूप कुमार मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि पहले चैप्टर 3 करा दूंगा, फिर चैप्टर 4 कराऊंगा, और वेक्टर और प्रोजेक्टाइल चैप्टर नंबर 4 में है, तो दिक्कत नहीं आएगी, सब हो जाएगा। कुछ बेसिक में ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि आपने लेक्चर लेट ज्वाइन किया इसलिए आपको समझ नहीं आया, इस लेक्चर को दोबारा से देखना, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला था, ठीक है रवि। हां जी और कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, और कोई क्वेश्चन पूछिए जरूर से। हां जी रितु धाकड़, नीट के लिए भी होगा। मॉर्निंग में मैंने 1:30 बजे सेशन लिया था इसी चैनल पर, उस सेशन को जाके देखो, नीट के लिए भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है नीट के लिए भी होगा। सर आप क्लास 3 बजे से कर दो, मेरा ट्यूशन है 4 बजे। रितिका कुमारी थोड़े दिन रुक जाओ, तुम ट्यूशन जाओगी नहीं, क्योंकि ट्यूशन से अच्छा हम पढ़ाएंगे, लिख के दे रहे हैं हम ये बात। थोड़े दिन रुक जाओ, तुम 4 बजे वाली क्लास को खुद अटेंड करोगी यहां पर। अनूप कुमार स्टार्ट कीजिए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के सेशन में मैं पढ़ाई नहीं करा सकता आपको, क्योंकि दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन क्लास। मेरी बात को सुनना पहले आप, क्योंकि अगर आज के सेशन में मैंने तुमको पढ़ाई करा दी, फ्यूचर में और भी बच्चे जुड़ेंगे,
तो वो इंट्रोडक्शन देखते ही आगे के चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हमारा, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तो सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक्स, ये सब डिस्कस होता है। तो हम जो प्रॉपर पढ़ाई करेंगे वो कल से करेंगे, और कल का टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो कल से आप लोगों की पढ़ाई होगी, आज तो इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन में तो हम पढ़ा ही नहीं सकते आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा समझ कर चलना। दिस इज ओनली द स्ट्रेटजी पार्ट, दिस इज ओनली द प्लान कि हाउ वी हैव टू मूव ऑन द पाथ सो दैट वी कैन गेट आर टारगेट। ओके सर, कुछ टेंथ क्लास से पूछिए प्लीज सर। अबे पूछना नहीं है, पूछो तो तुम, मैं बता दूंगा तुमको। ग्रुप बी के लिए सही रहेगी क्लास जी, 100%। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, लिख के ले लेना। ग्रुप डी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे तुम फिजिक्स का। एनडीए ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, सीडीएस में तो फिजिक्स ऐसी अलग से है नहीं, जनरल फिजिक्स है। उसके बाद ये क्लासेस का तो चल ही रहा है, आईआईटी, नीट, ये सारे डिस्कस करूंगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। एसएससी में जनरल साइंस भी हो जाएगी तुम्हारी यहां से। ओके भाई, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि हम लोगों को जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहां पर आपको बताने के लिए ही खड़ा हूं। दिनेश कुमार आजाद, हेलो, पीजीटी फिजिक्स हो जाएगी, पीजीटी फिजिक्स हो जाएगी, बेसिक से लेकर चलिएगा, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। मोशन चैप्टर का एम का मतलब क्या होता है यह भी बताऊंगा एम का मतलब भी लेकर चलेंगे, मतलब सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं। हां जी बोलिए कुमार साहब। एयरफोर्स के लिए भी हो जाएगा, पीजीटी फिजिक्स भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करते हुए सारी चीजें समझा चुका हूं आप लोगों को, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और अभी मैं अपने लेक्चर को, अपनी वाणी को विश्राम देकर आप लोगों की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए कल आपसे मिलूंगा यहां पर, और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि मजा आ जाएगा सही में। क्वेश्चंस, थ्योरी साथ के साथ लेकर चलूंगा, कंसेप्ट ऐसा डीप में क्लियर करूंगा जीआईएफ की मदद से, एनिमेशन की मदद से, वीडियोस की मदद से, इतना डीप में समझेंगे कि मजा आ जाएगा, खुद पढ़ने का मन करेगा, लिख के ले लेना ये बात। सो अभी चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, आसपास थोड़ा सफाई का ध्यान रखो, मौसम भी बिगड़ रहा है। चलते हैं, बाय।